श्रीरचरणिकरा व्याप्य विव्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्ठान् पुनरविशनो आशितान् कामजन्यान् कृत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुन् मायया भोजयन्नो मायासंख्यातुरीयं परममधुरवचं ब्रह्मयत्तमुनतोऽस्मि। भोगता है जैसा प्रकृति होती है। भुक्त्वा
बुक पहले मतलब मैं जागृत अवस्था को लेकर के बोलते हैं, पहले स्थूल भूख को भूख करके, बुक तो आप रखते हैं यानी कि एक काम को करके फिर दूसरा काम करेंगे। पुनरपि फिर दोबारा धीषणों को भाषित बुद्धि में प्रकाशित विषयों को बुद्धि प्रकाशिका काम जन्य द्वितीय बहुवचन है, बुद्धि में प्रकाशित जितना अपने वासनाओं से उत्पन्न हुआ विषय उसको उसको भोग करती है। हमारा धीषण उद्भाषित है, उद्भाषित धीषण उद्भूतम वहाँ पे अलग कर धीषण उद्भाषित ठीक है ना, मतलब बुद्धि में प्रकाशित हो, बुद्धि में उद्भाषित हुआ प्रकाशित हुआ जो क्या हुआ वासना जनित जितना भोग वस्तु है उसको भोग दिया। फिर क्या किया पित्वा सर्वान विशेषण, जितने सारे विशेष दिखाई पड़ रहा था उपाधि के कारण जो भी विशेष दिखाई पड़ रहा था समस्त विशेष को अपने में पी लेता है घोट लेता है। इस प्रकार पित्त और पित्त जिस चीज़ को हमने पिया हमारा अंदर घुस गया, मतलब ये जागृत स्वप्न में जो भी भेद अथवा द्वैत प्रपंच और आचमन दिखाई पड़ रहा था वो क्या सुषुप्ति अवस्था में सब अपने अंदर को समेट लेते हैं, अपने अंदर समर्पित सर्वान विशेषण। फिर क्या होता है वो स्वपिति स्वम अपितो भगत अपने स्वरूप उस समय क्या होता है वो पहले तो स्थूल भोग भोग रहा था फिर सूक्ष्म भोग भोग रहा था अब मधुर भोग, ये सब मंत्र श्रुति में आया हुआ है, ये सारा शब्द श्रुति में आया हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं मधुर भोग है ना, मतलब मीठा जिस चीज को भोग करते हैं आनंद मधुर आनंद विषय रहित आनंद मधुर शब्द और वो माया माया भोजन मतलब हम लोगों को वही माया के माध्यम से भोग करवाते हुए तो भोजन एक्चुअल कॉजल फॉर्म है यहाँ पे मतलब सार्थ में नहीं छोड़ माया शंख के द्वारा जैसे मतलब माईक रूप धारण करके ऐसा भोग करते हुए माईक रूप धारण करते भोजन मतलब भोग करते हुए फिर क्या होता है माया शंख से परे भी चले जाता है। माया शंख में कौन कौन आएगा जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो हमको पाद रूप में कहा था है ना, और जो ओंकार की मात्रा है अकार उकार मकार है ना, ये दोनों को मिला करके चिंतन करने का पंचों को माया का अधीन हो गया अब क्या हो जाएगा माया से परे तत्व माया शंखा तुरीय माया के तरह जब गिना जाता है उसकी सापेक्ष में इसको तुरीय कहा जाता है, परंतु परम अमृत निर्दिष्ट अमृतत्व है वहाँ पे जो जन्म रहित जो व्यापक तत्व है उसके प्रति मैं झुका हूँ। झुका हुआ मतलब है कि मैं उन्नत मतलब हम पूरा के पूरा टोटल कमिटमेंट सरेंडर टू ही बन गया सरेंडर टू ये हो गया कि जो विषय वस्तु अभी आप इसको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि मंत्रों में जो विषय को कहा गया है उसी को आधार करके ही भगवान भास्कर इसको मंगलाचरण सबको बनाया ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो ब्रह्म भिक्षादि स्थावर मनुष्य आदि जन्म प्रण समुदाय को व्याप्त करते हुए पहले क्या है कि जो यद्यपि जन्मादि विकार रहित कूटस्थ है फिर भी जो है माया के संख्या से क्या होता है पहले स्थूल भोग को भोगता है फिर जो है सूक्ष्म भोग को भोगता है, स्थूल और सूक्ष्म भोग को सब अपने में समेट करके अपने स्वरूप में जाकर के सोता है, परंतु पारवर्ती है वो बीज अवस्था है उसमें नहीं है तो तुरीय स्थिति है विचारपूर्वक निर्णय करने पर ये समझ में आते हैं। इस प्रकार जो ब्रह्म व्यापक तत्व है उसके प्रति मैं झुका हूँ मतलब बस वही मेरा स्वरूप है, इस भाव सब को प्राप्त करने से उनके प्रति मैं झुका हूँ। झुकना मतलब क्या होता है कि हमेशा ग्रेडिएंट ढाल इधर है तो क्या होगा कोई भी वस्तु आएगा मतलब आएगा तो उधर ही जाएगा, मतलब मन में कोई वृत्ति उठते हैं तो ब्रह्म की ओर ब्रह्म को जाना तो बस उस अभिप्राय क्या है किसी भी प्रकार का मन में वृत्ति उठे और व्यक्ति ब्रह्मात्मा ब्रह्माकार वृत्ति में परिणत हो जाए ये ठीक है। अब जो है हमने गाय थी मानव परिषद की जो द्वितीय प्रकरण वैतर्थ मानस काल जो विश्वात्मा का एक कल कल नहीं बोझ उसका व्याख्या नहीं करेंगे किसका काल जो विश्वात्मा जो आज जैसा किया ऐसे ही करेंगे तो अब जो है वैतत्व प्रकरण में पहले ही यहाँ पे दिखाया कि इसके पहले सृष्टि में मिथ्यात्व है तो श्रुति वाक्यों के आधार पर सिद्ध करके दिखाया, परंतु इसको युक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है एक कालिका अब तो गौर माना जाती है प्रतिज्ञा है भगवान भाष्यकर बोलते हैं इसके पहले जो हमने कहा वो तो केवल श्रुति मात्र था, परंतु श्रुति वाक्यों को यदि आप युक्ति के द्वारा पुष्ट कर लेंगे तब आप वहाँ से कभी भी हिलेंगे नहीं। जो श्रुति ने कहा श्रुति शुद्ध सिद्धांत को श्रुति शुद्ध सिद्धांत को यदि युक्ति के द्वारा भी पुष्ट हो जाता है तो आपका मन में दृढ़ रूप में बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ पे युक्ति के द्वारा। अब जगत मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए
जहाँ मिथ्यात्व बैठा हुआ जो सभी बाधी की मान्यता है, ऐसा एक दृष्टांत स्थान लेकर के वह मिथ्यात्व क्यों है उसको समझा। ठीक है, जगत में मिथ्यात्व है, ये धर्म मिथ्यात्व बैठा हुआ है और वो सभी वादी का मान्यता नहीं है, है ना। संदिग्ध साधवान पक्ष, जिस स्थान में कोई वस्तु का शंका होती है उसको पक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, संदिग्ध साधवान पक्ष, साध क्या है यहाँ पे मिथ्यात्व, और संदिग्ध कहाँ पे हो रहा है जगत में, जगत हो गया पक्ष, और उसमें एक स्वपक्ष भी होता है एक विपक्ष भी होता है, पता है स्वपक्ष किसको बोलते हैं। निश्चित साध जहाँ पे साध बैठे जहाँ स्वपक्ष है, स्वपक्ष हो गया महानस, और विपक्ष हो गया जलरथ, जहाँ पे कभी भी आग नहीं है, स्वपक्ष हो गया महानस, हाँ रंधन साध। तो यहाँ पे विपक्ष हो गया, विपक्ष हो गया जलरथ नदी जलरथ रथ, क्योंकि वहाँ पे कभी भी आग नहीं है, विपक्ष हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि आप जिसको पक्ष बनाया स्वपक्ष से वो भिन्न होना चाहिए, स्वपक्ष और पक्ष भिन्न होना चाहिए। अपने रंधनशाला में धुआं और अग्नि की व्याप्ति देखी, ठीक है ना, और आपने यहाँ पे फिर पहाड़ में धुआं देखा तो आपको व्याप्ति स्मरण में आई, हाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग। तो क्या है कि वो तब यहाँ भी धुआं दिखाई दे रहा है और अब यहाँ भी आग होना चाहिए, ये किया हमारे सामान्य अनुमान की प्रक्रिया है। इसलिए पहले बोलते हैं प्रतिज्ञा, फिर जो हेतु, फिर दृष्टांत, उपनय, निगमन करने का जाए, पाँच अवय होते हैं। प्रतिज्ञा मतलब यहाँ पे प्रतिज्ञा क्या करना, जगत उत्था, हेतु क्या दिया दृश्यत्वाद जगतवाद परिच्छिन्न जो दृश्य दृश्यत्वाद स्वप्नवत्, स्वप्न में दृश्यत्व धर्म बैठा हुआ। अब वो जो दृश्य तो क्या है, क्या दिखाया था वहाँ पे कि जो वस्तु जहाँ पे होना संभव नहीं है, यदि वो वस्तु वहाँ पे दिखाई दे तब उसको हम मतलब स्थान उचित स्थान नहीं है, उचित काल नहीं है, उसके प्रमाण के पश्चात संवाद भी नहीं है और कोई हमारा सिद्धांत को सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, कोई मदद नहीं। तो इस प्रकार की जो चार हेतु के लड़ाई स्वप्न सामने एक वस्तु देता है। अब यहाँ भी ऐसा ही ये चार हेतु हमारा जगत मिथ्यात्व में बैठता है कि नहीं बैठता, जगत ये यदि हमारे जगत रूपी पक्ष में बैठ जाता है तब क्या सिद्ध हो जाएगा, जागतिक वस्तुविधित है, जागतिक वस्तुविधित है। पहाड़ में धुआं देखा वो वास्तविक धुआं है अथवा धूल धूल है वो आपको निश्चय करना होगा, यदि धुआं निश्चय है तो अग्नि निश्चय होगी। ठीक इसी प्रकार जिस कारण से आपने स्वप्न को मिथ्या कह रहे ये कारण यदि जागृत में बैठा हुआ तो जागृत वस्तुविधित मान्य पड़ेगा, यह अनुमान की प्रक्रिया। तो यहाँ पे हेतु दिए थे, पहले दिए थे हम यहाँ पे बोला था कि बैठक तो सर्वभावानी प्रतिज्ञा स्वप्न आहुर मनीष न अंतस्थान भावन समृतत्व नहीं और दीर्घत्वाच काल मतलब काल कभी जो है समाप्त नहीं है, एक सेकंड में दो सेकंड में सोया और दो तीन साल दूर की पहुँच जाते हैं, दो तीन साल की घटना देख लेते हैं तब रहे। इस प्रकार से एक काल भी वहाँ पर यथा नहीं है, यथार्थ नहीं है, और दूर देश में जाकर के स्वप्न देखते हैं ऐसे कोई वजह कहते हैं। तो यदि ऐसे ही होता तो सोया तो स्वप्न देखना शुरू हुआ आपने जगा दिया वो उसको आपको विस्तार नहीं मिलेगा, दूर देश में जा गए तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। और फिर जिससे मिल करके आया वो उसको भी ये पूछा जाए कि भाई कल तुमको मैं मिल तो मिल ही जाएगा तो हमारा स्वप्न और क्या किस कर दिया। दो प्रमाण देने के बाद फिर स्तुति के आधार पर ज्योतिर्ब्राह्मण ने कहा कि जब जागवल को ऋषि को लाया जनक ने पूछे थे ये पुरुष कौन सा ऋतु से व्यवहार करता है, दिन के समय किस यज्ञ से, रात के समय किस ज्योति से, जब दिन रात पूरा चला जाता है उस समय किस युग से अंधेरा में किस युग से व्यवहार करता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति दिखाया कि जिस प्रकाश से कोई जीव और व्यक्ति व्यवहार करता है वो प्रकाश और व्यवहार करने वाला व्यक्ति भिन्न होता है, ये व्यक्ति। जब आप इसी प्रकार से यहाँ भी जब आपके पास कोई भी प्रकाश नहीं है स्वप्न अवस्था में आप जाते हैं उस समय कोई प्रकाश नहीं है परंतु हम सामने वस्तु को भोग करके दिखाई पड़ते हैं, किसके प्रकाश से, ये आत्मा के प्रकाश बिना उसका कोई प्रकाश नहीं हो सकता। यहाँ पे इस प्रकरण में आत्मा जो स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने के लिए श्रुति वहाँ पे कहती है कि कोई वस्तु वहाँ पे नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, रथ नहीं है, घोड़ा नहीं है, रास्ता नहीं है, सब मान आत्मा की स्वयं प्रकाश तब तक सिद्ध नहीं हो सकता यदि स्वप्न में दिखाई दिया वस्तु मिथ्या ना हो, नहीं तो सूर्य प्रकाश वहाँ दिखाई पड़ता है, तो वहाँ भी सूर्य आँख बंद है फिर भी हमको दिखाई दे रहा है, कान नहीं काम कर रहा फिर भी हमको सुनाई दे रहा है,
ये सब कारण से स्वात्मिक वस्तु को मिथ्या बोला जाता है। और ये ज्योतिष ब्रह्मण्य जी को दिखाया गया है अभावश्च रथादीनाम श्रूयते न्यायपूर्वकम वही तत्व तेन वही प्राप्तम स्वप्न आहुर मनुष्यना के कल्पना नीति से होकर जिला चल रहा है। रथ आदियों का अभाव सुनाया सुखी सृष्टि करने के लिए उनके पास कोई उपकरण नहीं है, कुछ भी उपकरण नहीं है, ना लकड़ी है, ना बनाने वाला कारपेंटर है, ना रास्ता बनाने वाला, फिर भी सब कुछ बना लेते हैं। इससे शुद्ध होता है वस्तु नहीं। अब जब हम इसको अपने इसमें घटाएंगे उसको लेकर के अगला श्लोक आएगा। इसके ऊपर जो है कल कहाँ तक पढ़ लिए थे हमने, टीका चल रहा था, ठीक है ना, पेज 83 पेज में लिखी ततः च उचित देश अभाव योग्य काल अभाव इत्यादिना प्रागुत्तेन हेतुना प्राप्तम स्वप्ननिष्ठानां भावानां वैदत्तम तदेव अनुवादिन्य श्रुत्वा अपि प्रकाशितम् इति आहुर ब्रह्मविदः ज्ञातम् पढ़ लीजिए ना। इससे क्या दिखाया, उचित देश की अभाव, उचित काल की अभाव, दूसरे आदमी मतलब सपोर्टिंग प्रमाण की अभाव, और कोई व्यक्ति हमारे मत को संवादी प्रमाण की अभाव, दूसरे आदमी की स्मृति की अभाव। इसके सामने घुसकर हमारा तो स्मृति हो रहा है कि मैं स्वप्न में जाकर के कल आप सबको मिला था, परंतु जिसको मिला था उसका स्मृति की अभाव। ये सब कारण से सामने वस्तु दिखता है, एक आ जाता है। इसलिए होता है रथस्य उचित देश अभाव यज्ञ काल अभाव इत्यादि ना प्रागुक्ते न हेतु ना, जिस हेतु को पहले कहा गया उस हेतु के द्वारा प्राप्तम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, स्वप्न दृश्यानाम भावानाम वैतत्तम, स्वप्न में दिखाया गया जितना भाव वस्तु वो मिथ्या है। तद एव अब जो हमको अनुभव में आ रहा है उसी को ही जो सब समझते हैं तद एव तद अनुवाद न उस स्वप्न में तत्व कोई एक अनुवादी श्रुति है, मतलब श्रुति के ये भाग क्या है, अनुवाद करने वाला भाग है। श्रुति का दो भाग है, एक अनुवादी भाग और एक प्रतिवादी भाग, है ना, एक अनुवाद करने वाला और एक प्रतिपादन करने वाला। जो हमको दूसरे प्रमाण से प्राप्त होता है वो हो गया अनुवाद भाग, और जो प्रकाश जो हिस्सा में दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं होता हो गया प्रतिपादन, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तदेव अनुवादित न शुद्ध अनुवाद करने वाली सूत्र के द्वारा अपि प्रकाशित हम उसको प्रकाशित किया गया इति आहु। इस प्रकार से बोलते हैं कौन लोग बोलते हैं, न प्रमाण कुशल प्रमाण कुशल वस्तु बाहरी वस्तु को लेकर अभी तो कोई प्रमाण करके जाना नहीं जाता, अपने स्वरूप को साक्षात्कार और ब्रह्म को लेकर के विचार करने वाले व्यक्ति लोग ऐसे कहा। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, आगे देखिए जागृत अवस्थाया आदित्यादि प्रकाशानां बागादि ज्योतिषां च विद्यमानत्वात् आसनादि व्यवहारस्य तन्निमित्तत्व संभवात् आत्मचैतन्य निबंधन व्यवहार न निर्धारयितुं शक्यते। ज्योतिर्ब्राह्मण की बात को लेकर लेकर के कि आस्ते पल्लयते विपल्लयते, इस ज्योति के द्वारा वो बैठता है, खेत में जाता है, काम करता है, वापस आता है, ये दिखाया शुद्ध ज्योति के। इसलिए उसमें का एक शब्द उठा गया आस्ते शब्द का अर्थ के आशीर्ण भवन है। जागृत अवस्थाया जागृत काल में आदित्यादि प्रकाशन, हम जागृत काल में कभी आप आदित्य प्रकाश से काम करते हैं, कभी बिजली के प्रकाश से काम करते हैं, कभी अग्नि के प्रकाश से दिया आदि जला लेते हैं, जानते हैं ये प्रकाशन। बाघ आदि ज्योतिषांश देखिए घनघोर अंधेर बादल छाया हुआ है, बिजली चली गई, अब उस समय आपको कोई एक नया व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है, वो आ रहा था रास्ते में प्रकाश में, आप उनको बोला तुम ऐसे आते हो, अब वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया कुछ भी नहीं जानते, अब वो आपका जहाँ तक आपने आने बोला वो आके अभी आपको कहाँ है ढूंढना चाह रहे हैं, वो क्या करेगा उस समय, नाम से आवाज करेगा, अरे भाई सर्वानंद कहाँ पे हो, अब मैं क्या बोलूँगा, अरे इधर हूँ मैं। वो जो आवाज सुना वो आवाज उस समझ कर ज्योति का नाम, वो आवाज सुन करके जिस दिशा से आवाज आ रहा है उधर जा, ये हो ना बागादि ज्योतिषा, इंद्रिया भी एक ज्योति है, मन घनघोर अंधेरा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको कोई चीज हाथ से गिर गया था, कोई विशेष वस्तु उसे समय लेना है, आप क्या करते हाथ से कटर उतर करके अब उसको निकलते, क्योंकि आप वहाँ पर रहने में अभ्यस्त है, रात में सोया हुआ व्यक्ति सारा बत्ती बंद करके सोते हैं, फिर उस कमरे में हमेशा रहने के कारण अंधेरे में जाकर के भी वहाँ पे अपने जगह पहुँचे तो बत्ती जला। ये जो है ये इंद्रियों भी एक ज्योति, ये बोलते हैं यहाँ पे आदित्य आदि को जागृत काल में ये सब व्यवहार करते समय हम करते हैं,
परंतु ये सारा प्रकाश आत्मा भी प्रकाश से प्रकाशित तो होकर काम कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आता क्योंकि वो सब मिला हुआ है उसके साथ। तमेव भांतम अनुभाति सर्वमी, हमें समझ में नहीं आता। तस्य भाषा सर्वम एकदम विवादि, ये श्रुति वाक्य तो है परंतु हमें समझ में युक्ति की तरह हमें समझ नहीं आता। तब श्रुति क्या करते हैं, हमको स्वप्न काल में है ना, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, आदित्य प्रकाश नहीं है, चंद्र प्रकाश नहीं है, विद्युत प्रकाश नहीं है, इंद्रिय प्रकाश नहीं है, इसलिए बोलते हैं जागृत अवस्थायाम आदित्यादि प्रकाशानाम बागादि ज्योतिषाम च विद्यमान, तब उस समय विद्यमान है। पर क्या कहता है, आसनादि भी आसन कहाँ से किया, आस के पल लेते भी पल लेते नक्षति में ये बात कहते हैं, आसन बैठना जाना वापस आना काम करना कुछ भी क्रिया व्यवहार से, वो जो व्यवहार है वो आत्मजन्य निमित्त तन निमित्त संभव है, किस किसे वो बाहरी प्रकाश के निमित्त से संभव है। इस कारण से आत्मचैतन्य निबंधन व्यवहार आत्मा की चेतनता से अस्तय करके सारा व्यवहार वो हमको समझ में नहीं आता, वो प्रकाश हमको समझ में नहीं आता व्यवहार न निर्धारित हो सकते। आप कुछ थोड़ा बहुत समझने पड़ने पर भी निश्चय नहीं कर सकते, न निर्धारित हो सकते, ठीक है। जागृत अवस्थायाम आदित्यादि प्रकाशनम और बागादि ज्योतिषाम च, देखिए एक बाहरी प्रकाश तो स्पष्ट समझ में आता है, आदित्य चंद्रमा विद्युत आम जो भी है ये प्रकाश हमसे भेजने व्यक्ति तो समझ में आता है। बागादि प्रकाश से व्यवहार करने वाला व्यक्ति बागादि प्रकाश से भिन्न होता है व्यक्ति में, क्योंकि ये जो मतलब इंद्रियों बोलेगा करण, इंद्रियों मतलब करण अंतकरण बहिष्करण, पेन एक करण है, पेन को चलाने वाला व्यक्ति पेन से भिन्न होता है, पता कि नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से वाग आदि इंद्रियों को चलाने वाला व्यक्ति वाग आदि इंद्रियों से भिन्न है, उसको वहां पे दिखाने के लिए, और वो कैसा है किसी भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए हमको स्वप्न अवस्था में किसी भी अवस्था प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए बोलते हैं कि तन निबंधन संभव आत्मचैतन्य निबंधन व्यवहार न निर्धारित शक्य थे। आनंद जी पूरा बृहदारण्य के ऊपर जो भाष्य शब्द है उसको अर्थ को रुक करके समझा रहे हैं। स्वप्ने पुनः स्वप्न काल में जाकर के क्या होता है, परंतु फिर सपनों में सूर्य आदि अभाव अभी आपके पास सूर्य चंद्र कुछ ज्योति नहीं है, अभाव अभी व्यवहार और दर्शन को हम व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, आंख बंद करके सोया फिर भी खुला आंख से देख रहे हैं, और कोई विषय नहीं है फिर विषय उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य ने दिन के समय सोया तो रात के स्वप्न देखते हैं, तो रात के समय दिन के प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से, इसलिए आप बोलते हैं कि सपने पुनः सूर्यादि अभाव अभी व्यवहार सूर्यादि सभी प्रकाश के अभाव होने पर भी व्यवहार दिखाई देने के कारण तस्य च निमित्त अपेक्षा, यानी कि उस व्यवहार के लिए कोई ना कोई प्रकाश की अपेक्षा वहाँ पर रखता है, क्योंकि प्रकाश के बिना व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए तस्य व्यवहार से निमित्त अपेक्षा आत्मचैतन्य सतन निमित्त निर्णय, तो वहाँ पर जब देखें कि वो प्रकाश करने वाला कोई वस्तु नहीं है तो आप केवल वहाँ पे आत्मा ही, एक शुद्ध बोले वहाँ पे तो मन है मन प्रकाश करेगा तो बोलते हैं ठीक है सुषुप्त में जाके देख लूँ, परंतु मन स्वयं प्रकाश नहीं है, मन जड़ है, हम क्योंकि भौतिक वस्तु से उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ पे उसके माध्यम से और कोई प्रकाश के बिना केवल वहाँ पे मन मतलब वासनात्मक मन ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके सहारे समझाया जा सकते हैं। फिर बाद में देखो मन को भी हटा करके समझा देगा, जब तुम ध्यान करते हो सुषुप्त में जाते हो तब तुम कैसे समझते हो कि मैं आनंद से सोया चाहता हूँ, आनंद जी ने भी व्यवहार तुम्हारे अंदर हो रहे तुम कैसे समझते, वो किसका है आनंद, किसका है प्रकाश, वो आत्मप्रकाश। इसीलिए हमें बोलते हैं स्वप्ने पुनः सूर्यादि अभावे अपि व्यवहार दर्शनात् तस्य च निमित्त अपेक्षत्वा आत्मचैतन्यस्य तन्निमित्तत्व निर्णयात्। चैतन्य कौन हम जैसे ही समय पढ़ते छोड़ छेद करता जा रहा हूँ ना, ऐसे स्वप्ने पुनः सूर्यादि अभावे अपि व्यवहार दर्शनात् एक हेतु, फर्स्ट हेतु तस्य च निमित्त अपेक्षत्वा, तो कोई ना कोई निमित्त से पंचम एक दूसरा हेतु, तीसरा आत्मचैतन्य तन निमित्त निर्णया, अब वहाँ पे दुख दूसरा कोई वस्तु वहाँ पे नहीं है तो हमको क्या मानना पड़ेगा, दो ही है आपको आत्मा और मन, स्वप्न वस्तु में आत्मा और मन, ठीक है ना, अब इनमें कौन प्रकाश है, कौन स्वयं प्रकाश है, तो कौन प्रकाश करता है, कौन प्रकाशित होता है, ये हमको विचार हो। परंतु सभी व्यक्ति देखते हैं कि मनोवृत्ति को जड़ है मन, शास्त्र जो भी लिखा सभी वादी ने मन को कोई चेतन नहीं माना, एक वादी ने आत्म मन संयोग से आत्मा में चेतन को तुम ऐसा माना, लेकिन मन को किसी ने चेतन नहीं माना, बोला तो एक आत्मा ही चेतन है, यही निर्णय होगा उसी के ऊपर से चला जाएगा, यह अपने निर्धारण आत्मचैतन्य निमित्त निर्णय तत्र
आत्मन स्वयं ज्योतिष के प्रतिपादित रूपा किसी उस पत्र मतलब उस स्वप्नावस्था में आत्मा में स्वयं प्रकाशित्व को सिद्ध करने के लिए स्वयं ज्योतिष प्रतिपादित न तत्र रथानरथ योगा न पंथान न तत्र इत्यादि इत्याद्या श्रुति श्रुति होते आया तया तत्पराया मतलब कह गया उस श्रुति के द्वारा जो आत्मा के स्वयं प्रकाश को बोध कराने के लिए मतलब प्रवृत्त हुआ है उस श्रुति के द्वारा आप स्वप्न मिथ्यात्व कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तया मतलब उस श्रुति के द्वारा इस श्रुति के द्वारा जो स्वयं आत्मा के स्वयं प्रकाशता को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ उस श्रुति के द्वारा स्वाप्निक वस्तु मिलता ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तब क्या बोलेंगे स्वाप्निक वस्तु अथवा मन को मिथ्या हुए बिना आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध नहीं होगा। इसको आगे बोलेंगे देखिए टिप्पणी में आएगा तया तत्परया ये तया सत्या तत्परया मतलब आत्म स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन परया न्याय सिद्धम युक्ति से सिद्ध होता है स्वप्न मिथ्यात्म युक्ति के द्वारा सिद्ध होता है अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है कि स्वप्निक वस्तु मिथ्या होता है। अनुबदंत्या ये इसके अनुवाद के द्वारा तत्प्रतिपादितम अपि प्रकाशितम वो जो मतलब वो आत्मा की स्वयं प्रकाशता को प्रतिपादन करते हुए भी स्वाप्निक वस्तु के मिथ्यात्व को प्रकाशित करते ठीक है। तया तत्परया तया श्रुत्या तत्परया मतलब स्वयं प्रकाशत्व बोधक परया मतलब बोधक उसका बोधक न्याय सिद्धम युक्ति के द्वारा सिद्ध स्वप्न भी उससे युक्ति के द्वारा सिद्ध होता है स्वप्न भी मिथ्यात्व इसीलिए अनुवादन्य मतलब ये जो स्वप्न में जो भी कुछ देखा तथा तत्व इस अनुवादित श्रुति के द्वारा तत्प्रतिपादितम अपि मतलब आत्मा के स्वयं प्रकाश प्रतिपादन करते हुए भी वो क्या हो गया स्वप्न के मिथ्यात्व भी प्रकाशित किया गया प्रकाशितम इष्यति भी यहाँ पे अविष्ट। अब यहाँ पे देखिए छः नंबर और सात नंबर दो टिप्पणी ठीक है। छः नंबर टिप्पणी यहाँ तक यहाँ पे सॉरी छः तब अप्रतिपादितम अभी तब देखिए तद अप्रतिपादित मतलब यद्यपि हमने स्वप्नों के मिथ्यात्व को प्रतिपादन नहीं किया फिर भी आत्मा की जो है स्वप्न के मिथ्यात्व युक्ति से सिद्ध हो जाता है सीधा सीधा वो सिद्ध किया हमने यहाँ पे तत् प्रतिपादितम मतलब क्या हो गया वो तत् प्रतिपादितम में हम कहते हैं मतलब आत्मा स्वयं प्रकाश है इसको प्रतिपादन करते हुए भी युक्ति से स्वाप्निक वस्तु के मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं मतलब क्या हो गया कि स्वाप्निक वस्तु का मिथ्यात्व तो सीधा सीधा प्रतिपादन नहीं करते हुए इसलिए वो बोलते हैं तत् अप्रतिपादितम अभी वहाँ पे दकार में हमको पहले हलंतम दिखाई दे रहा था परंतु हलंतम वास्तविक नहीं है टिप्पणी से दिखाई करते हैं अप्रतिपादित जब दकार हलंतम हो जाएगा तो प्रतिपादित हलन तक अप्रतिपादित वहाँ भी उपाय तो यहाँ पे अप्रतिपादित अंगीति ये बोलते हैं तात्पर्य विषयस्य एव प्रतिपादनम भवति। देखिए एक नियम है उस श्रुति जिस चीज़ को अभिप्रेत अर्थ जो है वही वहाँ पे प्रतिपाद्य विषय अभिप्रेत अर्थ जो है वही वहाँ पे प्रतिपाद्य विषय होता है। देखिए छांद को सूत्र एक वाक कहता है प्राण बंधन में सौम्य मन प्राण बंधन में सौम्य मन तो क्या दिखाई पड़ रहा है हमको वाक का अर्थ क्या देखा हे प्रिय दर्शन ये मन जो है प्राण के से बाधा हुआ है प्राण से बाधा हुआ है तो ये बातों को श्रुति का ये अभिप्रेत अर्थ नहीं है क्यों ये श्रुति जहाँ पे शुरू होती है प्रतिज्ञा वाक्य सदैव सौम्य एकदम आशीद एकम विवाद और इसका उपसंहार कहाँ पे कहते हैं स्व आत्मा तत्व मशिष्य तो यहाँ पे प्राण शब्द के द्वारा उस सब तत्व को लिया गया है और मन शब्द के द्वारा जीव को लिया गया है और वो जीव हमेशा उस सत्य के साथ एक होगा उसका अधीन होगा इस वाक्य का तात्पर्य उसमें है क्योंकि वहाँ पे सत तत्व को प्रतिपादन करने का प्रतीक है सदैव सौम्य एकदम आशीद इसलिए हमें बोलते हैं जो श्रुतिवाद को जिसको जो था उसका जो अभिप्रेत अर्थ होता है उसी को प्रतिपादन करते हैं जिस श्रुतिवाद को मैं वहाँ पे जिस श्रुति भाग में यहाँ पे आपके जो है उपसंहारादि लिंग के द्वारा जो उसका तात्पर्य जगत अर्थ होता है उसी को ही उसका प्रतिपादन करते हैं उसी भिन्न देश में हमें बोलते हैं कि तात्पर्य विषयस्य एव जिस विषय में तात्पर्य का तत्पर होकर भी जिसको समझाना चाहती है श्रुति उसी के यहाँ पे प्रतिपादन उसी का प्रतिपादन वहाँ पे किया जाता है ये इसके अंदर भाव है ना। तात्पर्य का विषय वहाँ पे क्या है ज्योतिर्ब्राह्मण में तात्पर्य विषय क्या है आत्मा की स्वयं प्रकाश वो तात्पर्य विषय तो वहाँ पे आप सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं जगत मिथ्यात्व को मतलब सात्विक वस्तु मिथ्यात्व को पढ़ते परंतु आत्मा की स्वयं प्रकाश तो तब तक सिद्ध नहीं हो सकता है स्वप्न में दिखाई दिया वस्तु यदि सही नहीं हो सही हो तो आत्मा की स्वयं प्रकाश तो सिद्ध नहीं होगा वो है ही नहीं वहाँ इसीलिए आत्मा की स्वयं प्रकाश सिद्ध हो गया इसे तात्पर्य विषय से प्रतिपादन।
साधनम भवति इति भाव। सात नंबर टिप्पणी बोलते हैं कि प्रकाशितम इष्यते, मतलब ये जो है कि वो साध्य पक्ष में मिथ्या है, ये प्रकाश का यहाँ पे अभिष्ट है, इसको देखिए प्रकाशितम इष्यते नहीं स्वप्न भावानां मिथ्यत्व बिना स्वयं ज्योतिष्टम आत्मनो स्वप्ने सप्तम भोजन। ये देखिए अर्थापत्ति प्रमाण दे रहे हैं, इस प्रकार रात्रि भोजनम बिना पिनत्तम अनुभवन्न, रात में खाए बिना एक व्यक्ति दिन में खाने में नहीं दिखाई देता, हृष्ट पुष्ट वरिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, तो उसका दोष निर्णय करता है जब हमारे जब हमारे सामने वो नहीं खाता बाद में खाता है, नहीं तो क्या होता है उसका विश्वस्त नहीं रह सकते। तो रात्रि भोजन बिना पिनत्तम अनुभवन्न, इसी प्रकार स्वप्निक वस्तु मिथ्यात्व बिना आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठम अनुभवन्न, स्वप्निक द्रव्य मिथ्या के बिना आत्मा स्वयं प्रकाशता व्यक्ति संगत नहीं हो सकता, उसको बोलते ही अर्थापत्ति शुद्ध अर्थापत्ति बोलते हैं। स्वप्न भावाना मिथ्यात्व बिना स्वयं ज्योतिष्ठम आत्मन स्वप्न न सत्यम बोध्यम, ठीक है ना, यहाँ से वहाँ चला जाएगा ही, क्योंकि क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण है कि क्योंकि स्वप्न भावाना मिथ्यात्व बिना स्वप्न में दिखाई दे रहा वस्तुओं का मिथ्यात्व के बिना स्वयं ज्योतिष्ठम आत्मन आत्मा की स्वयं प्रकाशित है, स्वप्न कहाँ किस समय स्वप्न में आत्मा की स्वयं प्रकाशित है न सत्यम बोध्यम, वो आप वहाँ पे बोध नहीं कर सकते, आत्मा स्वयं प्रकाश जागृत काल में भी है, अंगीर बताया आपको जागृत काल में भी आत्मा के प्रकाश के द्वारा ही सब कुछ चलते हैं, क्योंकि गीता में श्रुति में स्मृति में सब जगह कही तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा एक आत्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, तो समझ में नहीं आता यहाँ पे तब क्या किया स्वप्न में लेकर, स्वप्न में लेकर के सारा सामने वस्तु को मिथ्या दिखा करके आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है सिद्ध हो गया। आगे देखते हैं स्वप्न ज्योतिभिर एव व्यवहार उपपत्ते मिथ्यात्मक श्रुत अर्थ श्रुत अर्थ क्षिप्तत्व प्रकाशित उच्यते। स्वप्न ज्योतिभिर एव स्वप्न में जो ज्योति काम करते हैं वो ज्योति के द्वारा ही व्यवहार उपपत्ते व्यवहार युक्ति संगत होने के कारण, इसलिए बाकी वस्तु जो अपने शाब्दिक वस्तु दिखाई देता है मिथ्यात्मक उस वस्तु में मिथ्यात्व भी स्वप्न में जो वस्तु दिखाई पड़ती है आत्मा का स्वप्न का सिद्ध करने के लिए इसका जरूरत है आपका अनुभव, मतलब श्रुति सिद्ध और आपका अनुभव भी दूसरे वस्तु को समझाने के लिए जब तक आप युक्ति नहीं देंगे तब तक वो मानेंगे, पहले आपको कोई युक्ति के द्वारा समझाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मान्यता आ जाए फिर उसमें लगे तब उसका अनुभव में आ जाए, इसलिए यहाँ पे ये युक्ति दे रहे हैं। देखो तुमको तुम स्वयं प्रकाश हो तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तुम स्वप्न अवस्था का अपने आप बैठ करके विचार करो तब तक आपको स्वयं प्रकाश को समझ में आ जाएगा, इसलिए आप शारीरिक वस्तु की इससे मिथ्यात्व भी सिद्ध हो जाता है और आत्मा स्वयं प्रकाश समझता है, इस अभिप्राय क्या फल क्या हो गया तथा श्रुति देखा अपने श्रुति युक्तिभ्याम श्रुति युक्तिभ्याम प्रतिबंधम श्रुति के द्वारा भी युक्ति के द्वारा श्रुति के द्वारा युक्ति युक्तिभ्याम प्रतिबंध मतलब सिद्ध हो गया यहाँ का स्वप्न मिथ्या तब स्वाप्निक वस्तु की स्वप्न मिथ्या है स्वाप्निक वस्तु जो भी दिखाई पड़ता है वो पारमार्थिक नहीं है। इति दृष्टांत सिद्धि इस प्रकार से जिस दृष्टांत के द्वारा जगत को मिथ्या को सिद्ध करना चाहते थे वो दृष्टांत पहले सिद्ध आपको बुद्धि में बैठा दिया युक्तिपूर्वक तुम समझ सकते हो कि आत्मा स्वयं प्रकाश है और जो भी कुछ वस्तु दिखाई पड़ता है स्वप्न काल में वो सारा पारमार्थिक नहीं, ये यहाँ तक सिद्ध होगा। अब जो अतिदेश करें अतिदेश मतलब क्या है जैसा वहाँ ऐसा यहाँ इसको बोलते हैं अतिदेश इसको बोलते हैं अतिदेश। आप क्या बोलेंगे जैसे स्वप्न में शाप्निक वस्तु मिथ्या होता है कि इसी प्रकार के जागृत काल में भी माया भी उतने में स्वयं भी जो वस्तु देखने पड़ता है वो भी मिथ्या ही है अभी मिथ्या है, तो इसी को लेकर के अगला मंत्र आएगा। देखिए अब आगे टीका का अगले की ऊपर खाते हैं उक्त न्यायेन दृष्टांत सिद्धि फलितम अनुमानम आह, ठीक है ना, अब मैं पहले बोला था अनुमान का द्वारा समझाने के लिए आपको उभयवादी संबंध दृष्टांत देना पड़ता है और दृष्टांत में क्या चाहिए आपका हेतु और साध्य दोनों बैठना चाहिए,
आपने हेतु क्या दिया, दृश्यत्व, और साध्य क्या हो गया आपका, मिथ्यत्व। तो दृश्यत्व रूपी धर्म आपका स्वप्न में बैठा हुआ है और स्वप्न मिथ्या है, ये अपमान। इसी प्रकार जागृत वस्तु में दृश्यत्व रूप धर्म बैठा हुआ है और इसे वो मिथ्या मानना पड़ेगा। पूरा भिन्नता क्या है, सात्विक वस्तु हमको अंदर दिखाई पड़ती है, हमने कहा जागृत वस्तु हमको बाहर दिखाई पड़ती है। जागृत वस्तु तुमको बाहर दिखाई पड़ता है, सात्विक वस्तु को तो तुमको बाहर ही प्रतीति होती है। सात्विक वस्तु किसी को मन ये लग नहीं लगता कि मैं मन में देख रहा हूँ, परंतु है वो मेंटल प्रोजेक्शन। ठीक इसी प्रकार जागृत में भी जो वस्तु आपको बाहर दिखाई दे, इससे मेंटल प्रोजेक्शन नहीं, मन में भाव उठा तदनुकूल अपने बाहर वस्तु को देखते हैं। ये तो संस्कार के अनुसार वस्तु को देखते हैं, संस्कार के अनुसार ही वस्तु को देखते हैं। भगवान ने किसी वस्तु को ये तेरा है ऐसा करके नहीं बनाया, हमारा संस्कार क्या क्या, ये नए और ये नया, ये हमारे जन्म को परिचय बनाना है ना। तो वो जो दृष्टि जिसमें स्वप्न किसको देखते हैं, जिसको हमने मन में मान लिया उसको हमने स्वप्न देखते हैं। इसी प्रकार इस जागृतिक वस्तु हमारे मेंटल कंडीशन। बौद्धवादियों ने केवल मात्र मन को ही माना, और नए वशासी ने बाहर को भी माना मन को भी माना, वेदांतिक भी बाहर मन में भी माना और आपका बाहर भी माना। बाहर से आकर के मन में बैठता है, फिर मन से प्रोजेक्ट होकर के संस्कार पहले बाहर से आता है और फिर वो उस संस्कार के अनुसार बाहरी वस्तु को देखने लगता है। और ये चेन शुरू हो गया, इसके कौन पहले है ये आगे बोलेंगे। बीजांपूर्ण है, बीज पहले है कि आपका अंडा पहले है कि मुर्गी पहले है, इसको लेकर के आप विचार करके समय लाभ नहीं है, परंतु दिखाई पड़कर उसका नाश कैसे होगा उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। उत्तर दृष्टांति सिद्ध, इस प्रकार युक्ति के द्वारा दृष्टांत क्या था, सब जात जात विमता मिथ्या दृश्यत्व स्वप्नवत्व, दृष्टान्त तो सिद्ध हो गया, दृष्टान्त में मिथ्या तो सिद्ध हो गया, दृष्टान्त सिद्ध सति फलितम। अब जो रिजल्ट क्या निकला, अनुमान, उसका फल जो अनुमान है उसको अभी यहाँ पे कह दिए। अंतस्थान श्लोक में आ जाइए, अंतस्थानातु भावानां अंतस्थानातु भावानां यस्मात् जागरिते स्मृतम्, तस्मात् जागरिते स्मृतम्, यथा तत्र तथा स्वप्ने, यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते, संवृतत्वेन भिद्यते, अंतस्थानात् भेदानां तस्मात् जागरिते स्मृतम्, यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते। इस कारण से ही, इस कारण से कि जो है जो दृश्यत्व रूपी हेतु दोनों में बैठा है, इस कारण से क्या होगा, अंतस्थानात् भेदानां, जैसा अंतर मतलब वो जितना भेद वस्तु दिखाई पड़ता वस्तु है उसका स्थान अंतर में है, ये तो ठीक है। पर तस्मात् जागृत स्मृतम्, इसी प्रकार से जो जागरण में ये निगमन है, जागृत में देखिए वो दृश्यत्व रूपी धर्म जागृत में भी बैठा हुआ है, इसको स्मरण कर स्मरण कर तस्मात् जागृत, ये निगमन है ये। और यथा तत्र तथा, जिस प्रकार स्वप्न में वैसे ही जागृत है, ये कह गए उपनय है, उपनय होते हैं जैसा महानस में ऐसा पार, जैसा महानस में क्या दिखा था, वहाँ जैसा धुआं दिखा तो वहाँ पे हमें अग्नि प्राप्त हुई, इसी प्रकार जैसा स्वप्न में वैसा जागृत। तो स्वप्न में क्या हुआ, दृश्यत्व रूपी धर्म बैठा हुआ है और वो भी मन का एक प्रक्षेप मात्र है, ठीक इसी प्रकार जागृत में दृश्यत्व रूपी धर्म बैठा और भी मानसिक प्रोजेक्शन से हम देखते हैं, मन के प्रक्षेप के द्वारा देखते हैं, इसलिए यथा तत्र हो गया आपका उपनय। स्वप्न समृत केवल भिन्नता क्या है दोनों जगह पे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है क्या है कि स्वपक्ष और विपक्ष में थोड़ा भिन्न, स्वपक्ष और पक्ष में थोड़ा, पक्ष और स्वपक्ष से भिन्न होना चाहिए। स्वप्न हो गया आपका दृष्टांत, जैसे महानस दृष्टांत हो गया स्वपक्ष और बाहर हो गया पक्ष, तो महानस और पक्ष बाहर की भिन्नता है। इसी प्रकार आपने जब जागृत को भी मिथ्या कह दोगे तो मिथ्या के द्वारा मिथ्या सिद्ध नहीं होगा, तो जागृत और स्वप्न में कोई भिन्नता होना चाहिए। पक्ष और स्वपक्ष में, स्वपक्ष में निश्चित शब्दवान हो गया स्वपक्ष और संदिग्ध शब्दवान हो गया पक्ष, निश्चित शब्दवान हो गया स्वपक्ष मतलब जहाँ पे दोनों चीज छिड़ आप स्वप्न वस्तु निश्चित हो गया। जैसा महानस रंधन शाला में आपने आग भी देखा धुआं भी देखा, धुआं देखा तो उसके निमित्त आप मिल गया, आप यहाँ पे क्या हो गया दृश्यत्व रूपी हेतु आपको दिखाई दे, पर क्या हो जाएगा यहाँ भी दृश्यत्व बैठेगा,
इसलिए बताया दोनों में एक समपक्ष या विपक्ष ही भिन्नता नहीं होगा तो आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे बोल गया जैसे एक एक अनुपसंकर हेतु अभसमत्व आपको दृष्टि सर्व प्रमेय अभिधेयत्व और सबको अपने पक्ष बना दिया तो दृष्टांत इसको दे ठीक है ना दृष्टांत नहीं दे पाएंगे इस प्रकार का अनुमान सही नहीं होता। इसका दृष्टांत देने के लिए हमने स्वप्न को अलग कर उसे हो गया स्वपक्ष और पक्ष हो गया आपका संदिग्ध साधुमान पक्ष संदिग्ध होने लगा भी मतलब मिथ्या जगत जगत हो गया संदिग्ध साधुमान कोई कहता है ये मिथ्या कोई कहता है सत्य कोई कहता है अनित्य इस प्रकार शब्द अलग अलग शब्द आता है तो जगत में ये जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है इसमें कौन सा चाहिए कि संदिग्ध है क्या मतलब धुआं है कि आग है कि धुआं नहीं है आग नहीं है अथवा क्या धुआं के मतलब एक भ्रांति हो रहा है ये अभी तक निश्चय नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जगत में दुष्यंत रूपी दिखा करके और जैसा शाब्दिक वस्तु दुष्यंत रूपी हेतु के कारण हमने मिथ्या सिद्ध किया जगत में दुष्यंत दिखाई पड़ता है तो इसमें जगत में उसके साथ जड़त्व परिच्छिन्नत्व ये भी मिथ्यात्व के लिए हेतु जो जड़ वस्तु होता है जो परिच्छिन्न वस्तु होता है उत्पत्ति भी नष्ट होता है वो वस्तु मिथ्या होता है जो जड़त्व नहीं है जिसमें परिच्छिन्नत्व नहीं है जो उत्पत्ति भी नष्ट नहीं है वो वस्तु अतएव ये आपके पास ब्रह्मसूत्र में आया था द्वितीय अध्याय तृतीय पद में बियत पद में आकाश की उत्पत्ति सबको उत्पत्ति दिखाया तब संकोच सबको उत्पत्ति जिसको उत्पत्ति होना संभव नहीं उसकी उत्पत्ति दिखाया तो ब्रह्म का भी उत्पत्ति होगा तब वो सिद्ध कर नहीं खबर ना ब्रह्म की उत्पत्ति के बारे में नहीं सोच सकते सूर्य से नहीं कहता जो शरीर की उत्पत्ति में तो अनवस्था दोष आ जाएगा तो आप एक जगह करते आप उसके बाद ही बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति नहीं होते वो चेतन है जो भी वस्तु के गम आते हैं वह इस कारण से वो चेतन है क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए जिससे आत्मा के जागतिक वस्तु के मिथ्यात्व क्षेत्र में परिच्छिन्न जड़त्व इस प्रकार का दृश्य जागतिक मिथ्यात्व क्षेत्र यहाँ पे क्या हुआ अंतस्थान भेदाना जितना भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं जैसा स्वप्न काल में भी वो भेद मतलब वस्तु कहाँ रहता है हमारे अंदर ही रहता है जागृत काल में हमारे अंदर संसार में कहाँ कितना विश्व विश्व बड़ा सृष्टि में कितना कुछ हो रहा है क्या वो हमारे मन के ऊपर असर कर पाता है नहीं कर कौन सा असर करता है जहाँ हमारे मन आता अंतस्थान तो भेद आना तस्मात जागृत इसमें निगमन जागृत जागृत में भी ऐसा ही होता है इस कारण से जथा तत्र तथा जैसा स्वप्न में वैसे जागृत में बनाए इसका मतलब भिन्नता क्या हो गया स्वपक्ष और पक्ष में भिन्नता क्या है एक है संवृतत्व न भिन्नता है मतलब एक संकुचित स्थान में दिखाई पड़ता है एक बाहर दिखाई पड़ता है परंतु है तो मिथ्यात्व समान देखिए हम भाष्य का समझाएंगे जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतत्थमिति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में क्या आता है पक्ष और शास्त्र को एक साथ मिला करके जो कथन करता है उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा तो पक्ष हो गया जागृत सृष्टि और उसमें मिथ्यात्व हो गया शास्त्र इस प्रकार पर्वतों बंधिमान ये हो गया प्रतिज्ञा पर्वत हो गया पक्ष और बंधिमान ये हो गया शास्त्र बंधिमान है पहाड़ आग वाला है ये पहाड़ हो गया पक्ष और आग वाला हो गया शास्त्र ठीक है इसी प्रकार जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतत्थमिति प्रतिज्ञा जागृत काल में दिखाई दे रहा जितना भी भाव वस्तु दृश्यानाम भावानाम भाव वस्तु मिथ्या है वैतत्थ ये मिथ्या ये प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा है ठीक है ना इस प्रकार पहाड़ में आग है ये प्रतिज्ञा है अब प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको हेतु देना पड़ेगा तो हमें क्या हेतु दिया था धूमदत्व धूमद यहाँ पे क्या हेतु दिया दृश्यत्वात् हेतु दृश्यता हेतु हो गया आपको क्या हो गया दृष्टांत देना पड़ेगा भी आपको वहाँ पे क्या दृष्टांत महान शुभ रंधन शन यहाँ पे दृष्टांत स्वप्न दृश्य भागवत स्वप्न में दिखाई दे रहा भाव वस्तु का ये दृष्टांत देखिए भगवत भाषा का पूरा समझा दी जैसा न्याय दर्शन की भाषा है उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे वैतथ्यम उसको बोलिए वैतथ्यम जागृत भावा वितथा दृश्यत्वा ठीक है ये हो गया आपका पूरा अनुमान भाग जागृत में दिखाई दे रहा जो भी भाव वस्तु है वो यथार्थ नहीं है किंतु दृश्य होने के कारण हम सभी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा अभिमान है मैंने अपना आँख से देख के हटाया ये इसलिए सत्य है हमने अपना आँख से देख कर इसलिए सत्य है सभी के वक्त यही बोलते हैं और शास्त्र से इसका बोलता है शास्त्र बोलता है तुमने अपना आँख से देखा इसीलिए ही मिथ्या है अरे मुझे तो लगता है
जब मानता है सारा संस्कार को बड़े इतना, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं, जो भी वस्तु इंद्रिय द्वारा गम्य हो जाए वो पारमार्थिक सत्य नहीं होती। अब यहाँ पर यह समझना है हमको कि आप स्वप्न को मिथ्या बोल रहे हैं किसके सापेक्ष में बोल रहे हैं, जागृत के समय। अब जागृत को मिथ्या बोल रहे हैं किसके सापेक्ष में बोल रहे हैं, स्वप्न न तो अनंत दोष हो जाएगा, आत्मा हाँ ब्रह्म के आत्मा के सापेक्ष। ये चीज नहीं समझ पाते फिर घबरा जाते हैं, ये सापेक्षिक शब्द है, हम आत्मा की ब्रह्म के सापेक्ष में जगत को मिथ्या बोल रहे हैं, व्यवहार के सापेक्ष में नहीं, ब्रह्म के सापेक्ष में जगत, क्योंकि ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य इसीलिए अदृश्य तो समझाने के लिए स्वप्न को दृष्टांत होना ठीक है। अब देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप ये जो प्रत्येक शब्द जो है रिलेटिव टर्म होते हैं, हाँ बोलते हैं स्वप्न मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो जागृत के सापेक्ष में मिलते हैं, जागृत में जिस हम व्यवहार करते हैं फिर हमको बाद में भी मिलता है आगे भी मिलते हैं, हमको बाद में मिलता है आगे भी मिलते हैं, इसलिए हम उसको सत्य मानते हैं। स्वप्न में ऐसा नहीं होता, इसलिए स्वप्न वस्तु मिलते हैं, आप इसके ऊपर आगे और खंडन कर देंगे इसके ऊपर, अभी फिलहाल समझने के लिए, फिलहाल समझने के लिए यही मानना है कि जागृत को जब मिथ्या बोल रहे हैं वो आत्मा ईश्वर अथवा ब्रह्म के साथ जिसको जो अच्छा भक्तिवाद में भी इस विषय को मानने में किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होगा, बोलो बताओ जैसा जगत है ऐसे भगवान है क्या, ऐसा मानोगे जगत से किसी के लिए सुखदायी नहीं हो अभी तक, और भगवान का तो होता है कि आनंदकंद आनंद घन, यानी कि तुम्हारी भक्ति दृष्टि से भी आपका जगत और भगवान की क्यों भी, इसलिए भगवान के सापेक्ष में ईश्वर के सापेक्ष में ब्रह्म के सापेक्ष में आत्मा के सापेक्ष में जगत में मिथ्या दुखदायी होता है। और आत्मा जो जब सपनों को मिथ्या बोलता हूँ जागृत अवस्था का सापेक्ष जागृत हम अनुभूति में आता है, जब जागृत को मिथ्या बोलेंगे ब्रह्म का या आत्मा का शब्द वो तो अनुभूति में नहीं है, उसी के लिए तो शास्त्र है, वो अभी नहीं है आपका कोई वो अनुभव होने, तभी तो बोला माया निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति को जब वो माया निद्रा से जगेगा तब आपको समझ में आएगा, वो समझने के लिए उसको शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, सापनिक वस्तु मिथ्या है इसके लिए किसी को शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता, किसी को सिखाना भी नहीं पड़ता, परंतु जागृत वस्तु मिथ्या ये सामान्य व्यक्ति का बोध में नहीं आता, इसी के लिए साधन है, इसी के लिए मतलब मन को रुकना चित्त वृत्ति को निरोध करने से वास्तविक बाहरी वस्तु के प्रति जो तभी वैराग्य बाहरी वस्तु के लिए हमारा आसक्ति है, जब हमने सत्य तो मान लिया उसके प्रति आसक्त हो गया वह मिथ्या कैसे मानेगा, उसको हमने इतना मान्यता दे रखा जन्मांतर संस्कार से ही सत्य है और ये हमको आनंद देता है, ये हमारा स्वरूपभूत आनंद इससे अधिक आनंद है, ये अनुभव हमारे पास नहीं आया, परंतु यदि हम उसको स्थिर होना चाहते हैं तो पहले जिस प्रकार बच्चे को माँ बोलते हैं उधर मत जाओ जल जाओगे आग की तरफ मत जाओ जल जाओगे, इस प्रकार से कई बार बोला बच्चा सुनता नहीं है, एक बार गया पकड़ा तब तो उसका अनुभव में आ गया गर्म है तो फिर तो नहीं जाएगा, इसी प्रकार से पहले तो किसी का बात मान के चलेंगे तब तो पहुँच जाएंगे, नहीं होगा तो धीरे धीरे करते करते पहुँचेंगे, इसलिए आप शास्त्र बोल रहे हैं कि ये ध्यान रखना कि हम जो है ब्रह्म बिल्कुल सही बोला आपने कि अभी तक तो ब्रह्म आपको अनुभव में नहीं आया इसलिए जगत सत्य दिखाई देगा, बिल्कुल सही बात है, अब प्रयास करो तब तक अनुभव करने के लिए, देखो जगत मिथ्या का अपना संभव, छोटा बच्चा उठ करके बोलता है माँ कल मैं सब देखा तुम रात को मेरे को मिठाई दे रहा था मेरे को दो, बच्चा बचपन में ऐसे करते हैं कि धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो समझ जाता है कि अरे इसलिए आप ऐसे हम लोग भी है जब माया निद्रा में सोए हुए परमार्थिकत्व को नहीं समझ पा रहे इसके जगत सत्य ऐसे मन में बैठा रहता है मन के संस्कार से, अब यह बोलते हैं जागृत दृश्यन भवन जो टिप्पणी पर रहते जागृत भावा वितथा दृश्यत्वा, जागृत में दिखाई दे रहा भाव वस्तु मिथ्या है क्योंकि दिखाई देने के कारण, देखो व्याप्ति दिखा रहे ये दृश्यास्ते वितथा ठीक है ना, ये व्याप्ति है जो जो दृश्य होता है मृत्यु होता है, ये यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र बन्नी, ये व्याप्ति है जहाँ जहाँ ये उल्टा नहीं कर देना, जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं ये नहीं बोलना क्योंकि अग्नि बिजली में भी है धुआं नहीं है, अग्नि विद्युत में भी है धुआं नहीं है, किंतु जहाँ लकड़ी से आप आग चलाते हैं वहाँ पे धुआं है, इसलिए जहाँ धुआं है वहाँ बन्नी आ जाए बन्नी वहाँ धुआं नहीं है, यहाँ पे आप किसके हेतु बनाया दृश्य वहाँ पे धुआं देते, इसलिए जहाँ दृश्यत्व है वहाँ मिथ्या है, जो मिथ्या है वो दृश्य ये आप नहीं कह सकते, जहाँ दृश्यत्व है क्योंकि मिथ्यात्व हमको सिद्ध करना, मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ अभी हेतु हो गया दोनों, मतलब धुआं के द्वारा हम आग को सिद्ध करते हैं, दृश्यत्व रूप हेतु के द्वारा मिथ्यात्व को सिद्ध करते हैं, ये व्याप्ति को ध्यान देना यहाँ पे, ये दृश्य ते मिथ्या जो दृश्य होता है वो मिथ्या है ठीक है ना, जो दृश्य दृश्यत्व हेतु है
जैसे धुआं, जहाँ धुआं होता है वहाँ बन नहीं होती है, जहाँ दुष्यंत होता है वह मिथ्या है ना। चत्र धूम्र तत्र ये व्याप्ति है जता जैसे। अब दृष्टांत क्या दिया, ये हो गया आपका। अब मतलब इसलिए आपको व्यक्ति से तब अनुमान दिखा दिया जाए भवा बीतथा दृश्यत्व अदृश्यत्व हो गया हेतु, इसलिए ये दृश्य ये बीतथा हो गया। दृश्यम दृष्टांत क्या दिया, जथा स्वप्न भाव, जैसा स्वप्न में भाव वस्तु दिखाई देता है तथा च इमे, इसी प्रकार तथा चमे मतलब ये जो उपनय कर रहे हैं ये जागृत भी वैसे ही है, दृश्य दृश्यत्व में यह भी बैठा हुआ है। तथा च इमे दृश्या, इसलिए तथा च इमे तथा इति अस्य मिथ्यत्व व्यक्ति दृश्यत्वंत इति अर्थ। और इसमें क्या हो जाएगा, जिस प्रकार बोलते हैं ना बन्ही व्याप्य धूमवान अहम पर्वत, क्या बोला मैंने, बन्ही व्याप्य धूमवान अहम पर्वत मतलब क्या हो गया, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र बन्ही, जब हम बोलते हैं धुआं हो गया व्याप्य और बन्ही हो गया व्यापक, व्याप्य और व्यापक, इसलिए बन्ही का जो व्याप्य है बन्ही व्याप्य धूमवान अहम पर्वत, बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत मतलब क्या हो गया, बन्ही का जो व्याप्य बन्ही हो गया व्यापक, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ बन्ही, यहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव होती है। आप क्या, जहाँ जहाँ दृश्यत्व वहाँ वहाँ मिथ्यत्व, ठीक है नहीं, यानी कि मिथ्यत्व का व्याप्य जो दृश्यत्व है वो दृश्यत्व जो धर्म वाला ये जगत है। बन्ही व्याप्य धन्य बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, बन्ही का व्याप्य है जो धुआं वो एक धुआं वाला ये पहाड़ है, वो धुआं वाला ये पहाड़ है, इसीलिए इस पहाड़ में बन्ही है। बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, अयम पर्वत क्या हो जाएगा, अतः पर्वत बन्हीमान। ठीक उसी प्रकार दृश्यत्व व्याप्य, दृश्यत्व व्याप्य वितथा अयम जगत, ठीक है ना। सामान्य तर्क संग्रह की बोधी शब्द को, बाकी तो आपको विषय तो समझ में आ रहे, शब्द से कैसे समझेंगे। तथा चाहे इमे तथा इतिहास मिथ्यात्व व्याप्य समझ में आया आपका, मिथ्यात्व का व्याप्य क्या है, दृश्यत्व। इस प्रकार बन्ही व्याप्य धूमवान, ठीक है ना, मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वंत धूमवान अयम पर्वत दृश्यत्वंत, अलग अलग है ना, इमे बहुवचन बने दृश्यत्वंत इति अर्थ इसका अभिप्रेत अर्थ, समझ में आई ये पंक्ति। ये जो आप थोड़ा सा तर्क संग्रह में शब्द आया हुआ बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, बन्ही का व्याप्य जो धुआं है वो धुआं वाला ये पर्वत है। व्याप्य और व्यापक किसको बोलते हैं, दोनों में रिलेशन है, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ बन्ही, तो धुआं हो गया व्याप्य और बन्ही हो गया व्यापक, बन्ही हो गया व्यापक। ठीक यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ दृश्यत्व वहाँ वहाँ मित्तत्व, तो दृश्यत्व हो गया व्याप्य और मिथ्यत्व हो गया व्यापक, क्योंकि कुछ वस्तु एडजस्ट प्रकार बन्ही जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उससे भिन्न भी धुआं का चारा भी मतलब मिथ्या बन्ही की विद्यमानता रह सकता है, जैसे बिजली यहाँ पे विद्युत में ये सब। ठीक इसी प्रकार से जो दिखाई पड़ रहा है हमको वो तो मिथ्या है ही है, परंतु कई वस्तु ऐसा भी है जो दिखाई नहीं पड़ता परंतु मिथ्या है, इसीलिए उसको व्यापक रखा, मिथ्यत्व व्यापक है दृश्यत्व व्याप्य है, समझ में आ रहा आपको। क्यों, वहाँ पे जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ बन्ही, ये बोला तो धुआं हो गया व्याप्य बन्ही हो गया व्यापक, क्योंकि धुआं को छोड़ करके भी बन्ही रह सकता है, उसकी व्यापकता अधिक है। अच्छा अब यहाँ पे जो क्या बोला हमको, दृश्यत्व दे रहे हमें, देखिए मिथ्यात्व व्याप्य, मिथ्यात्व की तरह मिथ्यात्व का व्याप्त है कौन है, दृश्यत्व हेतु, ठीक है ना। अब जो है मिथ्यात्व केवल मंत्र, जैसे बन्ही की व्यापकता अधिक है इसी प्रकार मिथ्यात्व की व्यापकता जहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ सर्ग आदि हमको दिखाई पड़ते हैं, नहीं देख पाते वहाँ तक मिथ्या, ब्रह्मलोक तक मिथ्या, हमारे सृष्टि में जो भी कुछ हमें सब मिथ्या है, उसमें तो कुछ ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से शब्द प्रयोग किया, मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वंत इति अर्थ। मिथ्यात्व का व्याप्य जो दृश्यत्व, दृश्यत्व वाला धर्म वाला है कौन, ये जो जागृत भावा, इसीलिए मिथ्या तस्मात तथा तस्मात तथा इसलिए तस्मात इतिहास मिथ्यत्व व्याप्य दृश्यत्व, तस्मात शब्द का क्या अर्थ हो गया कि मिथ्यत्व का व्याप्य जो दृश्यत्व उसके वो उस प्रकार दृश्यत्व वाला ये जागृत भाव होने के कारण जागृत भी मिथ्या है। तथा इति ये यहाँ पे है ना, जथा तत्र तथा जैसे वहाँ वैसे यहाँ, जथा तत्र तथा इव, जथा तत्र मतलब जिस प्रकार स्वप्न में दृश्यत्व के कारण वस्तु को मिथ्या मानते हैं, इसी प्रकार जागृत में मिथ्या मतलब दृश्यत्व होने के कारण मिथ्या, इसलिए होता है तस्मात इति अस्य मिथ्यत्व व्याप्य दृश्यत्व इति अर्थ।
तथा इतिहास च वैतत्थवंत इति अनुमान मात्रवत्यम। तथा से क्या नहीं, वहाँ पे सारा सृष्टि मिथ्या वाला, मिथ्या है, मिथ्यात्व धर्म वाला है, वैतत्थवंत मिथ्यात्व के भाव वाला है इति अनुमान मात्रवत्यम। अनुमान को यहाँ पे समझना चाहिए, कहाँ पे वो जो एक नंबर वैतत्थम इति प्रतिज्ञा, यहाँ पे पूरा अनुमान दे दिया। जागृत दृश्यानाम भावानाम ये हो गया पक्ष, ठीक है ना, वैतत्थम ये हो गया साध्य, वहाँ पे हेतु क्या दिया, दृश्यत्वाद इति हेतु, यानी कि क्या हो जाएगा कि मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्ववंत एवं सृष्टि, एवं सृष्टि है ना, मिथ्यात्व का जरा व्याप्त है दृश्य दृश्यत्व के दृश्य दृश्यत्व वाला दृश्यत्व धर्म वाला ये सृष्टि दिखाई देता है। ये हो गया आपका पहला एक नंबर की दृश्यता देखिए। स्वप्न दृश्य भागवत यथातत्र मतलब यथा स्वप्ने दृश्यानाम भावानाम वैतत्व तथा जागरिते अपि दृश्यत्व अविशिष्टम, जैसा स्वप्नों में है उस पर जागृत में भी है। यहाँ पे दो नंबर की उन्हें दिखाई पड़ना है, दृश्यानाम भावानाम वैतत्व इति, ठीक है ना, यथा तत्र मतलब दृश्यानाम भावानाम वैतत्व, जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए जितना वस्तु है सब मिथ्या है, तथा जागृत उसी प्रकार जागृत में भी दिखाई देने के कारण मिथ्या है। दृश्यानाम भावानाम वैतत्व इति स्वप्ने भावानाम दृश्यत्वम वैतत्वम च, स्वप्न में जो भाव वस्तु है उसमें दृश्यत्व भी बैठा हुआ है और मिथ्यात्व भी बैठा हुआ है, क्योंकि आपको दृष्टांत में क्या करना पड़ता है, दृष्टांत में आपका हेतु और शब्द दोनों बैठाना पड़ता है, ठीक है ना, अनुमान सही है कि नहीं है दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दृष्टांतों में हेतु और शब्द दोनों हित को दिखा रहेगा, स्वप्ने अपने स्वप्ने भावानाम स्वप्न में दिखाई दे रहा है, ये हो गया था आपका उसमें दृष्टांत में, उसमें देखो दृश्यत्व भी बैठा हुआ है वैतत्व भी बैठा हुआ है, दृश्यत्व वैतत्वम चाहिए सारा हमको यहाँ पे ये करके दिया टिप्पणी कर, केवल शब्दों को जो वहाँ पे है उसको थोड़ा यहाँ पे घटाना है। अनेन दृश्यत्वस्य वैतत्व व्यापत्तम उत्तम भवति, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्यति व्याप्ति सृष्टि, अनेन दृश्यत्वस्य यहाँ पुनः दृश्यत्वस्य वैतत्व व्याप्यत्वम, दृश्यत्व वैतत्व का व्याप्य वैतत्व, ठीक है, दृश्यत्व व्यापक कौन है, दृश्यत्व की वैतत्व वैतत्व व्यापक है, हाँ दृश्यत्व व्यापक, इसलिए हमें बोला कि दृश्यत्व से वैतत्व व्यापक तो उत्तम भवति, ठीक है, यही रखें समय में कल एक बार दोबारा विचार करके इसको ये मन में बैठना है किस हेतु से पढ़ना है। आज आपको तृतीय मंत्र पढ़ना है लास्ट वाला, यत्र ज्ञानलोका भाषा प्रतिहति अगमत् शान्तस्तमोहान् दरबारो मच्छोन्मज्जघोरेऽशक्रि उपजनोदन्वते त्रासने मे यत्पादौ आश्रितानां सुदृशमविनयं प्राप्तिरग्राह्यरोगां तत्पादौ पालयेयौ सर्वभावैः नमस्ते ॐ नमः।